नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। पांच चटक रंगों पीले, हरे, नीले, काले और सुर्ख लाल रंग नदी के पानी में बिखरे होने की वजह से संसार की सबसे खूबसूरत नदी का खिताब कैनो क्रिस्टस को मिला है। इसे लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, आप बिल्कुल भी नशीन। कोलंबिया के पाँच रंगों वाली कैनो क्रिस्टल नदी कोई भ्रम नहीं बल्कि खूबसूरत सच्चाई है। नेशनल ज्योग्राफी ने इसे गार्डन ऑफ इडन यानी देवता का बगीचा नाम से नवाजा है। कोलंबिया के कांत में मौजूद सेरेनिया डी ला मैक्रीना पर्वत श्रृंखला के बीच में कैनो क्रिस्टस नाम की एक नदी बहती है। ये नदी केवल कोलंबिया वासियों को नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरान करती है। जुलाई से लेकर नवम्बर तक यहाँ के पर्यटकों को मेला लगा रहता है। वजह इन महीने में इस नदी में उभर आने वाले पाँच रंग। ये नदी किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह अपने पांचों रंगों में बहती है। पांच चटक रंगों पीले, हरे, नीले, काले और सुर्ख लाल रंग नदी के पानी में बिखरे होने की वजह से संसार की सबसे खूबसूरत नदी का खिताब इसे मिला है और इसे लिक्विड रेनबो के नाम से जानते हैं। इस नदी के आसपास पर्वत श्रृंखला में 420 प्रजातियों के पंछी, 10 प्रकार के स्तनधारी, 43 प्रकार के सरीसृप वर्ग के जीव और 8 प्रकार के प्राइमेट्स पाए जाते हैं। पक्षियों की चहचहाट जगह के माहौल को सुकूनदायक बनाती है। क्या है आखिर इन रंगों का राज? इस नदी में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रंग लाल है। इसकी वजह यहाँ का मैग्नोलिया क्लिवेगरा नाम के एक खास किस्म के पौधे का नदी की सतह में होना। जैसे इस पौधे पे सूरज का प्रकाश पड़ता है, इसके ऊपर की धारा सुर्ख लाल उठती है। धीमी और तेज रोशनी के आधार पर इस पौधे का रंग नदी के पानी पर झलकता है। बैंगनी से लेकर चटक लाल रंग के बीच आने वाले सभी मिलावटी रंग दिन के समय अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अन्य चार रंग ऐसे भी हैं जो अलग प्रभाव की वजह से दिखाई देते हैं। जैसे नदी का पानी स्वाभाविक रूप से नीला है, पानी के नीचे काली चट्टाने हैं, तो हरी बालू और पीले शैवालों एक तरह के सजीव पौधे हैं की वजह से नदी सूरज की किरणों के साथ मिलकर अलग अलग रंगों को दिखाई देती है। उस पर ऊंचाई पर मौजूद अलग अलग आकार के झरनों का नदी में गिरना खूबसूरती का कई गुना बढ़ा देता है। यकीन मानिए, नदी देखकर कुछ सेकंड की तो आपकी सांसें थम जाएगी। नदी को देखने आने वाले लोग इस खूबसूरती को केवल दूर का एहसास नहीं करना चाहते, लिहाजा इसमें स्विमिंग करने की भी व्यवस्था है। इस नदी के तल तक जाने के लिए यहाँ की सरकार ने व्यवस्था की है। इस नदी की एक दूसरी खासियत है कि इसमें कोई भी जंगली जीव जंतु नहीं है। इसकी वजह से नदी के निचले हिस्से में ठोस चट्टानों का होना, दरअसल जंगली जीव जंतुओं के लिए से चट्टानों की वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है। 62 मील लंबी और 65 मील चौड़ी यह नदी फोटोग्राफर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। हफ्ता भर भी नदी के किनारे गुजारने के बाद आपका मन बार बार यहाँ आने को करेगा।